हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानसिक विकास के क्वेश्चन आंसर्स जो कि गैदर किए गए हैं विभिन्न राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों से। अगर आप नए हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना एक छोटा सा काम, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आर फैमिली, क्योंकि यही बेल आइकन तो आपको याद दिलाएगा कि आपको कुछ करना है और आगे बढ़ना है। जो ऑलरेडी हमारी फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डायरेक्टली आंसर्स, तो आपको क्वेश्चंस को पहले पॉज करना है, वीडियो को पहले देख लेना है, क्वेश्चन के आंसर्स आपको मन में सोच लेना है, फिर वीडियो को चलाना है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी, यानी कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा नवीन परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को अनुकूल कर सकता है, साथ ही समस्याओं को हल कर सकता है और कुछ नया सीख सकता है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है बल्कि कम परिश्रम में अधिकतम उत्पादन करने की शक्ति है। तो हमारा जो डी उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष और मानसिक आयु जो है 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि यहाँ पे पूछी है। तो जब वास्तविक आयु और मेंटल एज दी गई है, यानी कि 12 अपॉन 10 हो जाएगा, इंटू 100 हम कर लेंगे, तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 120, राइट। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 120, जो कि सी है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू होती है। तो भाई उस बच्चे की आयु हमें देखना है, तो यहाँ पे उसकी मेंटल एज जो दी है वो है 5, क्रोनोलॉजिकल एज 4 दी है, इनटू हम करेंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा आंसर जो है वो 125। तो यहाँ पे 125 आपका पहला ही ऑप्शन है, यानी कि बच्चे की जो आईक्यू लेवल है वो है 125। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है ये किसने कहा है। तो बुद्धि पे जो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जो है टर्मन ने कहा है। इनके अनुसार ही बुद्धि पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। तो भाई मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्यतः बुद्धि से ही तो प्रेरित होता है, साथ ही वह बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित करता है। तो जो हमारा डी उत्तर है वही एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बालक की वास्तविक आयु जो है 12 वर्ष है, मानसिक आयु जो है 15, यानी कि मेंटल एज 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज 15 दी है, तो उसकी हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। सो सिंपल। तो यानी ए उत्तर जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। भाई 105 बुद्धि लब्धि के जो बालक है, यानी कि 105 में है, यानी कि 91 से लेके 110 मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सामान्य बुद्धि लब्धि के क्षेत्र में आता है, तो ये जो बालक आ जाएगा वो हो जाएगा सामान्य बुद्धि का बालक। अगर आप भूल गए होंगे या फिर आपको पता भी होगा तो अभी मैं आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ, 71 से जो कम वाले होते हैं वो उन्हें हम जड़ बुद्धि में इंक्लूड करते हैं, 71 टू 80 वालों को हम अल्प बुद्धि में लेते हैं, 81 टू 90 में हम मंद बुद्धि को लेते हैं, 91 टू 110 और इसी में आपका 105 भी आ जाता है जो कि सामान्य बुद्धि से रिलेटेड है, 111 से 120 तीव्र बुद्धि है, 121 से लेके 130 जो है प्रखर बुद्धि, और 130 से अधिक यानी 130 प्लस वाले जो हैं वो आ जाते हैं आपके प्रतिभाशाली। तो जो 105 वाला बालक है वो आ जाएगा आपका सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक, है ना। देखा जाए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कथन पूछा है सत्य नहीं, नहीं जब भी आपको देखे तो पहले उस पर टिक कर लीजिए कि भाई क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो बुद्धि जो है यहाँ पे पूछा है कौन सी चीज़ यहाँ पे सही नहीं है। तो बुद्धि वह साधन है जो व्यक्ति के मानसिक क्षमता को दर्शाता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित एवं अनुकूलित कर पाता है। बुद्धि द्वारा ही व्यक्ति के किए गए कार्यों का सही तरीके से हम अवलोकन करके उसके कार्यों की सफलता या असफलता को जांच सकते हैं। और बुद्धि जो है वो अस्थायी परिवर्तनशील भी होती है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार को अपनाती है। तो यहाँ पे जो डी उत्तर है, यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, यही आपका जो उत्तर है वो सत्य नहीं है। वह बुद्धि क्या है, हमेशा डे टू डे लाइफ में कैसा है कि चेंज होते रहती है, हमेशा एक स्टेबल मूड पे नहीं रहेगी, कभी आपका मूड हंसने का है, कभी रोने का है, ऐसे ही बुद्धि जो है वो चेंज होती रहती है, वो फ्लेक्सिबल है, स्थाई नहीं है, की विशेषता नहीं है। यानी कि बुद्धि के बारे में ये सत्य नहीं दिया गया, ये है जो परिवर्तनशील है वो स्टेबल नहीं रहती है। यहाँ पे जो सही है वो भी हम देख लेते हैं, यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है बिल्कुल, यह सामंजस्य और अनुकूलन यानी कि वही है अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है और यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है जो बिल्कुल, लेकिन यह स्थायी अपरिवर्तनशील, यह परिवर्तनशील है अपरिवर्तनशील नहीं है, इसकी विशेषता जो नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डी उत्तर जो है वो एकदम सही है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु जो है वो 12 ईयर्स यानी कि मेंटल एज 12 दी है, शारीरिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज 10 दी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यहाँ पे पूछिए तो इनटू 100 कर देंगे और सेम एज इट इज आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 120। तो ए उत्तर जो आपका एकदम सही है, तो उसका बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू लेवल जो है वो 120 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो भाई जन्मदाता जो है वो बीने हैं, हमें पता ही है। बीने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया था। विलियम स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि के बारे में जो है प्रयोग करने का सुझाव भी दिया था, उनको वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को समझाया भी था उन्होंने। और सन 1916 में टर्मन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण कर दिया, यानी कि टर्मन का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और इसीलिए टर्मन को बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि अगर टर्मन जी ने हमें नहीं बताया होता कि एम ए यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये इंटू 100 का जो टर्म है ये हमें टर्मन ने दिया था, और इसी वजह से बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता इन्हीं को हम जानते हैं, इन्होंने ही ये टर्म दी थी। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज किसने दी थी? विलियम स्टर्न और कुहलमान ने दी थी। बुद्धि परीक्षण का निर्माण बीने ने किया था, और इसमें जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का जो हमारा अनुपात निकालना है वो हमें विलियम स्टर्न और कुहलमान ने दिया था, और इसमें जो हमें इनटू 100 करना है ये हमें टर्मन ने दिया था, और इसी वजह से बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता भी हम इन्हीं को जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो हमने देख लिया जड़ बुद्धि वाले बालक का जो आईक्यू लेवल है वो 71 से जो है वो कम होता है। टर्मन के अनुसार इनकी जो संख्या होती है लगभग 2% के बालक ही ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 71% से कम होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कैसा है? तो भाई वह जो है सामान्य बुद्धि का हमने अभी देखा था 90 to 110 के बीच का जो भी बालक है, 91 से लेकर 110 के बीच का जो भी बालक है वो सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित है। त्रिगामक अवस्था जो है वो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ये नहीं है, यानी सी उत्तर जो आपका यहाँ पे है वो एकदम सही है। यहाँ पे उन्होंने दिया था संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक ये वाली अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष। फिर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष। और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 11 वर्ष के बाद से। तो यहाँ पे जो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था है ये कहीं पे भी नहीं दिया है, जो सी उत्तर है यहाँ पे आपका यही सही उत्तर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह, अब भी हमने देखा पूर्व संक्रियात्मक आयु समूह जो है वो 2 से 7 वर्ष है, यानी बी उत्तर जो है आपका एकदम सही है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, 4 चरणों में बांटा गया है, संवेगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, यानी हमने अभी जस्ट देखा, तो 4 भागों में इसे बांटा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो भाई जो ये है, पियाजे के अनुसार बालक जो है संज्ञानात्मक विकास की 4थी अवस्था जो उसकी होती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष के बीच की आयु, इसी स्तर पर वो अपनी सही और गलत के बीच की तार्किक रूप सोचने डेवलप कर लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष, जिसमें कि बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने लगता है, और औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर ले जाने और संभावनाओं पर विचार करने के योग्य बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं, तो यही उत्तर आपका जो है एकदम सही है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो भाई जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं दी गई हैं, वो संवेगामक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, तो ये 4 दी गई हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, तो इनके अनुसार जो संवेदी गामक अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है, यानी आपका ए उत्तर जो है वो एकदम सही है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु
अवधि तक मानी जाती है। तो यह हमको पता है कि 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है वही उनकी मानी जाती है संज्ञानात्मक विकास की संक्रियात्मक अवस्था। और इसी अवस्था के दौरान जो है बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता जो है वो विकसित कर लेता है। तो आपका डी उत्तर जो है वो एकदम सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो भाई पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है, यही आयु उत्तर बाल्यावस्था की भी होती है। और इसी आयु में बच्चे जो है द्रव्यमान संख्या क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। तो आपका जो डी उत्तर है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला जो कारक नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कारक जो नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं कौन सा इसमें से कारक है। तो परिवार में गरीबी ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। जी बिल्कुल, कक्षा में नींद आना ये उसके मानसिक प्रभाव पे इतना तो प्रबल नहीं होगा। स्नेह का अभाव ये उसके मानसिक स्वास्थ्य पे बिल्कुल प्रभाव डाल सकती है। और पारिवारिक क्लेश ये भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पे पूछा है कौन सा प्रभाव डालने वाला बालक के स्वास्थ्य पे यानी मानसिक स्वास्थ्य पे कौन सा प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कक्षा में नींद आना यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य या वातावरण व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है वो गरीबी से हो सकता है, स्नेह के अभाव से हो सकता है, परिवार में क्लेश की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कक्षा में नींद आना मानसिक स्वास्थ्य को कतई प्रभावित नहीं कर सकता है। तो कक्षा में नींद आना जो बी उत्तर है इस क्वेश्चन के हिसाब से वही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कि कल्पना शक्ति बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के डैश से है। तो भाई कल्पना शक्ति बुद्धि निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध जो बालक के मानसिक विकास से संबंधित होता है यानी कि ये सब यहाँ पे मानसिक विकास से ही रिलेटेड है। तो आपका जो डी उत्तर है वो एकदम सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की चीज़ थी ही नहीं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर पूछा है प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर पूछा है कौन से हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक होते हैं वो वंशानुक्रम है, परिवेश यानी कि वातावरण है, और सामाजिक स्थिति भी है यानी कि उपरोक्त समस्त। ये जो डी उत्तर है यही आपका एकदम सही है। तो आपका जो डी उत्तर है सही है यानी वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति ये सभी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।